الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب يسر ولا تيسر وتمم بالخير तो आइए आज हम फ़ैलुन नहीं का इब्तदाई सबक पढ़ते हैं। यानी फ़ैलुन नहीं जो है इसको इंग्लिश में कहते हैं द प्रोहिबिटिव वर्ब, द प्रोहिबिटिव वर्ब। फ़ैलुन नहीं को की डेफिनेशन क्या है? फ़ैलुन नहीं कहते हैं उस फ़ैल को जिससे हम किसी हाजिर यानी कोई हमारे सामने हाजिर है उस इंसान को किसी काम से रोकने का हुक्म देते हैं, किसी काम से बाज आने का या रुकने का, कोई काम न करने का हुक्म देते उसको फ़ैलुन नहीं। ये बिल्कुल अपोजिट है अपने माने में किसके साथ, किसके अपोजिट है? जो कल आपने पढ़ा फ़ैलुल अमरी, उसके बिल्कुल अपोजिट है। यानी फ़ैलुल अमर में हम हुक्म देते हैं किसी को कि यह काम करो, लेकिन फ़ैलुन नहीं में किसी को हुक्म देते हैं यह काम मत करो, हम उसको रुकने का हुक्म दे रहे हैं कि उस काम से रुकने, वो काम न करने का हुक्म देते हैं, इसको बोलते हैं फ़ैलुन नहीं। तो आज के दर्स में आप की फैक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एक नंबर, नंबर वन जो है हाउ टू मेक फ़ैलुन नहीं, फ़ैलुन नहीं कैसे बनाएंगे, इसको बनाने का तरीका क्या है, इसकी कंजुगेशन यानी गर्दान इसकी क्या है, कितने सेगे हैं उसमें, और नंबर तीन फंक्शन ऑफ ला उन नहीं या ला अन नहीं, ला उन नहीं जो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, चूंकि पहले अमर में हमने हमज़तुल वसल इस्तेमाल किया लेकिन यहाँ हम ला उन नहीं इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी फंक्शन क्या होगी, और नंबर चार वो ला उन्नाहिया और ला एक और किस्म की भी है जिसको हम कहते हैं ला नाफिया, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, और नंबर पांच आप ये पढ़ेंगे कि भाई फैले अमर की तरह फैले नहीं जो है आखिरी इसका इसका लाम कलमा जो होगा यानी इसका एंडिंग जो है वो एंडिंग इसकी क्या होगी, वो एंडिंग इसकी क्या होगी। तो आइए हम शुरू करते हैं। लेकिन फैले अमर की तरह भी पहला पॉइंट जो आप ये सीखेंगे वो ये है कि भाई फैले नहीं भी हम इसको भी हम फैले मुदारा से ही बनाते हैं, बल्कि आपने इब्तिदा में पढ़ा है कि फैल की बुनियादी किस्में जो ग्रामर के उलमा करते हैं वो कहते हैं कि फैल की तीन किस्में हैं, एक है फैल मादी, दूसरा फैल मुदारा, तीसरा फैलुल अमर। फैल नहीं को वो समझते हैं कि ये फैल मुदारा की ही एक शक्ल है, क्योंकि इसमें आप आगे देखेंगे अभी अलामत मुजारा इसमें हटती नहीं है, इसमें अलामत मुजारा बरकरार रहती है। ठीक है, तो आइए हम पहले क्या करेंगे, हम ये कहेंगे कि भाई फैल नहीं देखो कहां से हम बनाते हैं, तो हम फैल मुदारा की गर्दान पर आएंगे। पॉइंट नंबर वन याद रखिए कि फैल मुजारा की गर्दान के 14 सेगे हैं, ये आपने पढ़ा है, लेकिन 14 सेगों में फैले अमर और फैले नहीं सिर्फ हम हाजिर के 6 सेगों से बनाते हैं, तो गाय के 6 सेगे सिंपली, इसलिए मैंने इसके इस जो है इसमें मैंने कुछ नहीं लिखा है, ये मैंने ब्लैंक रखा है। अब हाजिर के 6 सेगे यहाँ देखिए 3 सेगे ऊपर है हाजिर के ये और मुजक्कर के, और 3 सेगे इसके नीचे आ गए हैं इसमें, तो ये हो गए 6 सेगे। मुतकल्लिम के 2 सेगे भी मैंने खाली रखे हैं ताकि आपको ये पता चले कि भाई मुतकलम से भी हम फैले नहीं नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो हम हाजिर के 6 सेगों से बनाएंगे फैले अमर। तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे क्या, पहला पॉइंट आप याद रखेंगे कि भाई जो है सॉरी जो यानी फैले अमर जो है फैलु नहीं जो है फैलु नहीं जो है इसको हम लिखेंगे इज मेड from फैलुल मुदायरा, इज मेड फ्रॉम फैलुल मुदायरा, ये तो पहला पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट आप याद रखेंगे कि फैल मुदायरा के 14 सेगे हैं, सब सेगों से तो नहीं बनेगा ना, बट किन से बनेगा, सॉरी इट कोई हाँ चलिए तो इट is made, it is made from 6 moods या 6 segas हैं of hadir of second person only, मैं लिखूंगा second person two and second person only नकी सारे से सबों से तो नहीं बनेगा, तो ये दूसरा पॉइंट है भाई, सिर्फ हाजिर के 6 सेगों से बनेगा।
दूसरा पॉइंट है ना, शाबाश। तीसरा पॉइंट, जो अलामती मुजाहरा होगी, अलामती अलामतुल मुजाहरा, अलामतुल मुजाहरा इनमें जो होगी, अच्छा अलामत मुजाहरा जो होगी, अलामत मुजाहरा में क्या होगा, विल नॉट बी ड्रॉप्ड, विल नॉट बी ड्रॉप्ड। जैसे अमर में हो गया था, वहां तो ड्रॉप हमने की थी, लेकिन यहाँ अलामत मुजाहरा ड्रॉप नहीं होगी, तो फिर क्या होगा। चौथा पॉइंट है जो सिंपल है, अलामत मुजाहरा विल नॉट बी ड्रॉप्ड, डी आर ओ डबल पी डी, ड्रॉप्ड। ओके, पांचवा पॉइंट ये है कि भाई यहाँ जो है, यहाँ भी एंड ऑफ या एंडिंग लेटर या टर्मिनल लेटर लिखते हैं हम, एंडिंग लेटर एल ई टी टी लेटर, या हम लिखते हैं टर्मिनल लेटर, क्या लिखते हैं, टर्मिनल, टर्मिनल लेटर, टर्मिनल लेटर ऑफ फेलुन नहीं, फेलुन, माफ कीजिए यहाँ थोड़ा परेशानी हो रही है कुछ, फेलुन नहीं, टर्मिनल लेटर ऑफ फेलुन, फेलुन नहीं, टर्मिनल लेटर ऑफ फेलुन नहीं जो है वो क्या, दैट वुड बी मजजूम, विल बी, या विल बी, सॉरी, विल बी मजजूम, मजजूम विल बी मजजूम, मीम जीम जे वाव और मीम मजजूम, वो क्या होगा, वो जज्म वाला, जैसे पहले अमर में आपने लास्ट में देखा कि वो मजजूम होगा। ये है सिंपल भाई, पहले मुदारा, पहले पहले जो है ये, पहले नहीं जो है इसके बनाने का कायदा भी यही है, इसके ये इसका जो मसला है ये भी यही है। लेकिन यहाँ मैंने तीसरे और चौथे पॉइंट के दरमियान एक पॉइंट मैंने ओमिट कर दिया, पहले मैं उसको पढ़ाता हूँ। वो क्या है, हमने कहा कि अलामती मुजारा विल नॉट बी ड्रॉप्ड, तो फिर क्या हो जाएगा, हम सिम कहेंगे सिंपली, सिंपली सिंपली लाम नहीं, सिंपली लाम, ला उन नहीं, ऐड कर दिया जाएगा। और फिर लास्ट पॉइंट, पांचवा पॉइंट जो मैंने सिखाया कि जब हम ला उन्ना है ऐड करेंगे तो फेले नहीं जो है आखिर में मजूम हो जाएगा। ठीक है, इनको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फेल उन्ना है इज मेड फ्रॉम फेले मुजारा, इसको फेले मुजारा से बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट, सिर्फ फेले मुजारा के छह सेगुन से बनाया जाता है। तीसरा पॉइंट, अलामती मुजारा को हजफ नहीं किया जाता है बल्कि अलामती मुजारा बरकरार रहती है। चौथा पॉइंट, सिंपली हम ला उन्ना एड करते हैं, यानी बिफोर प्रीफिक्स करते हैं, प्रीफिक्स मींस आप फेल मुजाहरे से पहले लिखते हैं ला, ठीक है, न कि बाद में, उसको सफिक्स बोलते हैं, इससे पहले लिखते हैं तो ये बनेगा, लेकिन जब आप ला उन्नाहिया लिखेंगे तो फेल मुजाहरा आखिर में क्या हो जाएगा, मजजूम हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अब आए ऊपर आइए, आप यहाँ देखिए, आप फिर से वही हाजिर के तीन और ये पांच सेगे, यहाँ देखिए आप हाजिर के छह सेगे हैं, ये पांच यहां दिख रहे हैं स्क्रीन पर, एक जो है नीचे है वो भी दिखेगा। अब हम एक क्या करेंगे, हमने कहा कि भाई ये ला तफअलु है हमारे पास पहला वर्ड, पहला एक सेगा, हम इसी तफअलु को ले लेंगे, मैं यहाँ इसको लिखूंगा ताकि आप इसको जो है आराम से यहाँ समझ भी सकेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके लिखूंगा, ये देखो ता, इसके ऊपर क्या है, जबर है, और फिर है फा, इसके ऊपर क्या है, जज्म है, सुकून है, और फिर ऐन है, इसके ऊपर क्या है, जबर है, और फिर लाम है, इसके ऊपर क्या है भाई, पेश है, सॉरी इसके ऊपर पेश है, ये है तफ अलो। जब हमें इससे पहले पहले नहीं बनाना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इससे पहले ला लगा देंगे, ला हमने लगा दिया इस तरह, तो ला फिर अलामत मुजाहरा है, इस अलामत मुजाहरा को बरकरार रखेंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे,
इसको कुछ नहीं, फा भी अपनी जगह, एन भी अपनी जगह, जबर जेर के साथ, कोई इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, सिर्फ आखिर में आई है ये लाम जो आखिर में आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर पेश है। ला की वजह से ये क्या बनेगा, ला की वजह से ये बनेगा जज्म वाला बनेगा, यानी मजजूम बनेगा। तो तफअलु बन गया ला तफअल, तफअलु क्या बन गया ला तफअल। फिर से याद रखिए मैंने अमर वक्त बनाते वक्त पढ़ाया था कि फैली माजी आखिर में जबर वाला होता है, ज़हबा जलसा कतला शरीबा, और फैली मुजारा आखिर में क्या होता है वो मरफू होता है, यफ़अलु यज़रिबु यंसुरु यजलिसु यक्तुबु, तो आखिर में पेश वाला है वो, और फैले अमर आखिर में मजजूम होता है, इफ़अल इजलिस उनसुर, और फैली नहीं जो है यह भी आखिर में मजजूम होता है। फैली अमर पढ़ाते वक्त मैं भूल गया कि अगर कोई ऐसा फैल हो जो नाकिस है, जो जिसके आखिर में हर्फ इल्लत है, तो उसको हम जज्म नहीं देते हैं, बल्कि उसको हम क्या करते हैं, उसको हम वो हर्फ इल्लत ही ड्रॉप कर देते हैं, मसला खत्म हो गया। मैं आज इंशाल्लाह आखिर में अगर मुझे याद रहा तो मैं उसकी तरफ फिर से आऊंगा। लेकिन यह देखिए, तो आपने तफ़अलु को क्या बना दिया, ला तफ़अल ला तफ़अल। अब ये लाम के ऊपर जो पेश है इसको आपने जज़्म में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब इन नूनों का क्या होगा जो इसके साथ ये नून है, तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी, इनका क्या हो जाएगा? हाँ, ये हमारे पास एक मसला है। चलिए मैं इसको एक काम करता हूं, मैं इसको जरा चलिए इसको मैं यहीं पे रहने दूंगा वरना डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो हम ये करेंगे, मैंने आपको अमर के वक्त पढ़ाया था कि भाई अब फैले मुजारा जो है हाजिर के छह सेगों में से सिर्फ एक सेगा ऐसा है जिसके साथ कुछ नहीं फैकस हुआ है, लाम के बाद कुछ नहीं है लाम के, बाकी आप पांच सेगों में देखेंगे लाम के बाद या तो एलिफ नून है या वाव नून है या नून है या नून है सिंपली। और मैंने बताया था ये पांच नून जो है इनमें से जो आखिरी नून है जमा मोनस हाजिर का नून, ये नून जो है ये जमीर है, ये प्रोनाउन है, इसका मतलब ये कि उन सब वो सब औरतें ये काम करती हैं या ये काम करेंगी, यानी ये नून अपोजिट है इस वाव का, किस वाव का, जो यहाँ जमा मुजक्कर में है, जमा मुजक्कर के वाव को हम बोलते हैं वावुल जमी, और इस नून को हम बोलते हैं नून निस्वती, क्या बोलते हैं नून निस्वती। मैं आपकी मतलब इसके लिए लिखूंगा मैं, ताकि आप इसको मैं लिखूंगा वाव और फिर लिखूंगा अलिफ जीमी वावुल जमी वावुल जमी, लेकिन फिर भी चला गया यहाँ जमा की वाव, हम लिखेंगे सिंपली इंग्लिश में वाव, सॉरी वाव ऑफ प्लूरल, वाव ऑफ प्लूरल पी एल यू प्लूरल, ठीक है। और इस नून को क्या लिखेंगे, इस नून को लिखेंगे भाई, इसको लिखेंगे सॉरी नून नून ऑफ वुमन, नून ऑफ वुमन डब्ल्यू, नून ऑफ वुमन डब्ल्यू एम ई एन, नून ऑफ वुमन, ये नून ऑफ वुमन है ये नून। बाकी जो चार नून इसमें है जैसे यहाँ ताफालानी यानी तस्निया के दो सेगों में ताफालानी ताफालानी, और जमा मुजक्कर के एक सेगे में हो गए तीन ताफालूना, और वाहिद मोनस हाजिर के एक सेगे में हो गए चार, ये चार नून दे आर इक्वल टू पेश, दे आर इक्वल टू पेश। तो जब आप फेले अमर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे तो दोनों जगहों पे इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो जैसे आपकी गर्दान वहां बनी थी इफ अल इफ अला इफ अलू इफ अली इफ अला इफ अलना, यहाँ भी वैसी ही गर्दान बनेगी, फर्क सिर्फ ये रहेगा कि वहां तो आपने अलामती मुजाहरा ता को हटा दिया था और हमजतुल वसल लगाया था, यहाँ वो नहीं करना है, यहाँ सिंपली ला लगाना है, और बाकी सिर्फ आप आखिर को क्या करेंगे मजजूम बनाएंगे, नूने एराबी गिरा देंगे, बस मसला खत्म हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ना। चलिए मैं अब इन छह सेगों को क्या करूंगा, मैं आप इनको कॉपी करके यहाँ नीचे लाऊंगा ताकि आप इसको आराम से जो है समझ सकें। हाँ आइए, तो हम यहां शुरू करेंगे। हाँ बिल्कुल, तो आइए कंट्रोल वी करके हम देखते हैं भाई हमारे पास छह से क्या गए, तफ़अलु तफ़अलानी तफ़अलूना तफ़अलीना तफ़अलानी तफ़अलना, ठीक है। अब हम इन छह सेगों के
से के इनके मुकाबले में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे यहां चलिए, तो मैंने यहाँ इसके लेफ्ट साइड में एक और बॉक्स जो है डाल दिया ताकि हम इसको यहाँ अमर बनाने का कायदा सिखाएंगे। मैंने पहले के लिए बताया कि भाई इसमें सिर्फ आप ला डालेंगे, ठीक है, ला उन्नाही, हर जगह ला डालेंगे, यहाँ भी ला हमने डाला, यहाँ भी ला हमने डाला, और सर हर सेगे में ला डालकर आप क्या करेंगे, आप इन सारे सेगों को जो है पहले नहीं में चेंज कर सकते हैं। तो ला फिर प्लस, प्लस क्या होगा, ला प्लस जो फैली मुदारा है, लेकिन मैं इस तरह लिखूंगा फाएलाम फैलुल मुजारे फैलुल मुजारे मगर मजजूम, मीम जीम जेवामी मजजूम, यानी वो आखिर में जजम वाला होगा। वो क्या मतलब है, वो इस तरह हो गया तो फिर वो बनेगा इस तरह, जैसे मैं यहाँ नीचे इसमें लिखूंगा ला तफ अल्ला तफ अल्लाम के ऊपर जजम आएगी, ला तफ अल ला तफ अल ला तफ अल। मैं इसका कलर थोड़ा चेंज करूंगा ताकि आपको इस वाजह तौर पर जरा नजर आने लगे, ला तफ अल, ठीक है। जब आपने इसको ला तफ अल बना दिया तो यानी आपने इस तफालू का पेश जो है इसको जज्म में चेंज कर दिया, तो नून अरबी सारे के सारे चारों के चारों गिरा दिए जाएंगे, तो तफालानी बनेगा ला तफ अला, तफालूना बनेगा ला तफालू, तफालीना बनेगा ला तफाली, तफालानी बनेगा ला तफ अला, तफ अलना बनेगा ला तफ अलना। अब हम लिखेंगे ला तफ अल ला तफ अ ला तफ अला ला तफ अला, नून गिरा दिया हमने क्योंकि नून अरबी है, और यहाँ इसी तरह आएगा ला तफ अ ला तफ अलू, लाम वापिस लू, नून गिरा दिया हमने, लेकिन एक अलिफ 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 उल विकाया यानी प्रोटेक्शन को हम यहाँ लगाएंगे। इसी तरह आएंगे ला तफ अली, तो मुजक्कर के तीन सगे ऊपर आ गए। अब यहाँ देखिए ला तफ अली ला तफ अली, लाम के नीचे यहाँ जेर आती है, लाताफ अली ना ली ना, ना जो था उसको ड्रॉप कर दिया, लाताफ अली। अब लाताफ अला यहाँ तो ऊपर की तरह आएगा, लाताफ अला, नून गिर गया, लेकिन यहाँ आखिर में जो है तफ अलना, ये नून जो है पेश के बराबर नहीं, ये जमीर है, लिहाजा ये बरकरार रहेगा। हम यहाँ भी कहेंगे ला तफ अल ना, ला तफ अल ना, ठीक है। वहां भी आपने यही किया था लेकिन अमर में, लेकिन वहां सिर्फ एक चीज थी कि अलामती मुजारा को काट दिया था ता ता तो ता को, तो आपने इफ अल इफ अला इफ अलू इफ अली इफ अला इफ अल नाम बताया था, लेकिन यहाँ क्या है, फेली नहीं में अलामती मुजारा ड्रॉप नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी, सिर्फ आप लाम उन्ना ला उन्नाहिया जो है एड प्रिफिक्स करेंगे, सब पहले लिखेंगे फिर आप फेली मुजारा लिखेंगे मगर मजजूम शक्ल में। आपने अभी तक पढ़ा था कि फेली मुजारा जो है वो मरफू होता है यानी आखिर में पेश वाला होता है, लेकिन आज आप पहली बार सुन देश ऐसे जो है मतलब पढ़ रहे हैं कि फेली मुजारा भी कभी मजजूम होता है, उसकी एक शक्ल ये है जब उससे पहले ला उन्नाहिया आ जाए, जब उसको हम फैली नहीं बनाए, ठीक है। और भी कई चीजें आप पढ़ेंगे आगे इंशाल्लाह ताला कि फैली मुजारा कब कब मजजूम होता है, वो आप आगे इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ आइए भाई, आपने यहाँ एन के ऊपर जबर थी तो आपने यहाँ एन के ऊपर जबर जबर लगा दी, ला तफ अला ला तफ अलू ला तफ अली ला तफ अला ला तफ अल। लेकिन अब हम ये कयास करेंगे, हो सकता है कि ला एन के ऊपर एन के नीचे जेर होती, एन के नीचे जेर हो तो उससे क्या कोई प्रॉब्लम आती आ सकती थी? नहीं, हम सिर्फ एन के नीचे जेर पढ़ते, हम कहते हैं ला तफ इल, जैसे फॉर एग्जांपल शरीबा है हमारे पास वर्ड शरीबा, शरीबा जो है फेली मुजारा में उसके एन कलमे के नीचे जेर है, यश रिबो, क्या है यश रिबो। अगर मुझे उससे बनाना हो तो मैं कहूंगा इस तरह ला तशरीब, ला तशरीब, रा के नीचे जेर, ला तशरीब मत पियो, ला तशरीब ला तश। इसी तरह जलसा यजलिसो, अगर मुझे जलसा यजलिसो से बनाना है तो मैं कहूंगा ला तजलिस, ला तजलिस, लाम के नीचे जेर आएगी, ला तजलिस मत बैठो, ला तजलिस, ठीक है। तो फिर गर्दान इसी तरह होगी, रा यानी इस एन कलमा की जेर के साथ, ला तशरीब ला तशरीबा ला तशरीबू
तशरीबी, ला तशरीबा, ला तशरीबना। इसी तरह ला तजलिस, ला तजलिसा, ला तजलिसू, ला तजलिसी, ला तजलिसा, ला तजलिसना। क्लियर हो गया? एक और मिसाल लीजिए, जब एन कलमा जो है पेश वाला होगा, नसरायन सुरु से मिसाल, नसरायन सुरु सौत पेशो, इसमें एन कलमा जो है क्या है, इसमें एन कलमा क्या है, इसमें एन कलमा मरफू ये सॉरी मजमूम है, यानी जम्मा के साथ है, पेश वाला है ना। तो हम कहेंगे भाई इसका अमर बनेगा ला तनसुर, ला तन सुर, सौत के ऊपर पेश और रा साकिन, रा जो है मजूम, ला तन सुर मत मदद कर, ला तन सुर, ला तक्तुब, कहता भाई अक्तुब इसी फेल से आता है, ला तक्तुब मत लिखो, ला तदखुल दाखिल मत हो जाओ, ला तखरुज मत निकलो। ठीक है, अब इसकी गर्दान अगर पढ़ेंगे तो इस सिर्फ इतना ख्याल रखना है कि सौत के ऊपर पेश पढ़ना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे ला तन सुर, ला तन सु रॉ, ला तन सु रू, ला तन सु री, ला तन सु रॉ, ला तन सु ना। ये आ गई तीनों की गर्दान, ये आ गई तीनों की गर्दान। ठीक है, अब माने पे गौर कीजिए जरा, पहले आगे बढ़ने से पहले जब हम ये करते हैं, तफलो मीन्स आप काम करते हैं या आप काम करेंगे, जब हम ला लगाते हैं पहले नहीं ये नहीं बनाने के लिए, तो हम इसका मतलब होता है ये काम मत करो, डोंट डू इट, जैसे अमर के वक्त आपने पढ़ा था इफ अल डू, यहां कहेंगे ला तफ अल डोंट डू, क्या कहेंगे ला तफ अल डोंट डू। ठीक है, मैं इसको जरा आगे ये लिखता हूं, इसको जरा आप आराम से इसको सीखेंगे, ला ला तफ अल, अमर में आपने पढ़ा था इफ अल, अलिफ के नीचे जेर थी, फा के ऊपर जजम और एन के ऊपर भी जबर और लाम के लाम साकिन था, तो आपने इसका माने लिखा था भाई क्या, इफ अल डू, डू हुक्म, किसी को आप काम कर रहे हैं हुक्म, जैसे हुक्म दे रहे हैं आप कि आप ये काम करो, जैसे आप किसी को कहते हैं इजलिस, क्या कहते हैं इजलिस, आप कहते हैं अलिफ और फिर जीम साकिन लाम के नीचे जीरो और सीन साकिन, इजलिस मीनस सिट डाउन, क्या इजलिस मीनस सिट डाउन, बैठ जाओ, सिट डाउन बैठ जाओ, उदखुल दाखिल हो जाओ, उदखुल आप एलिफ के ऊपर पेश लिखेंगे क्योंकि ये ओ एन एन जो है इसमें ये है क्या नाम है मजमूम है, उद और खा पेश, खो और लाम पेश, खा लाम साकिन, उदखुल इसका माने है कम इन यानी दाखिल हो जाओ, कम इन गेट इन, उदखुल दाखिल हो जाओ। ठीक है, लेकिन यहां नहीं में आप क्या करते हैं, नहीं में आप हुक्म दे रहे हैं कि भाई ये काम मत करो, नहीं में आप क्या दे रहे हैं हुक्म कि ये काम मत करो। हाँ, जैसे आप इन्हीं दो इजलिस और उदखुल को हम नहीं में लिखेंगे, तो हम इस तरह लिखेंगे, किस तरह हम लिखेंगे, ला तजलिस, ला तजलिस, ला तजलिस, ला तजलिस, इट मीन्स ला तजलिस मीन्स डू नॉट, डू डू नॉट सिट डाउन, डू नॉट सिट या डू नॉट सिट डाउन, ला तजलिस डू नॉट सिट डाउन। उदखुल को अगर हम बनाएंगे तो इसका होगा ला तदखुल, ला तदखुल, ला तदखुल मीन्स डोंट कम इन या डोंट गेट इन, अंदर मत आ जाओ, डोंट, डू नॉट यानी डोंट, डोंट कम इन या डोंट इंटर, सॉरी डोंट इंटर, डोंट इंटर, अंदर मत आ जाओ, दाखिल मत हो जाओ, ला तज़हब डोंट गो, मत चले जाओ। ठीक है, तो ला उन्नाहिया जो ये क्या काम काम करता है, ला उन्नाहिया जो है फेली मुजाहरा को मजूम बना देता है, फेली
पहले मुजारे को क्या बना देता है, मजजूम बना देता है, ठीक है ना। तो जब आप इसकी गर्दान पे ये करेंगे, गौर करेंगे, तो इसने सिर्फ इस्लाम के पेश को ही हटा नहीं दिया बल्कि उन नूनों को भी हटा दिया जो नून इस पेश की जो है क्या करते थे, रिप्रेजेंटेशन कर, इस पेश के बदले जो इस्तेमाल हुए थे, चाहे वो नून जबर ना था या नून जेर, ने उन सबको इसने हटा दिया है, ठीक है। सिर्फ नून जमीर को ही इसने कुछ नहीं किया, नून जमीर को रहने दिया। ये है भाई फेले मुदारा ये, और फेले सॉरी फेले नहीं बनाने की मतलब एक बनाने का तरीका, और वो गर्दान यानी इसके भी टोटल सेगे कितने हैं, 6 सेगे हैं, इसके भी टोटल इतने ही सेगे हैं। अब हमारे पास 2 पॉइंट बचे जिनको मैं चाहता हूं कि मैं इनमें से इनको जो है आपको आराम से जो है आप इसके दरमियान डिफरेंस पैदा मतलब ये जो है जाने डिफरेंस, वो क्या है। हमारे पास ये ला जो है ना, ला ये ला लाम अल जबर ला, इसकी 2 किस्में है। कितनी किस्म है, एक नंबर एक है, सॉरी नंबर एक क्या है, वो है जिसको हम बोलते हैं ला उन नाहिया, ला उन नाहिया, ला उन नाहिया, ला उन नाहिया, और दूसरा है ला अन्नाफिया, ला अन्नाफिया, ला अन्नाफिया। तो 2 ला है हमारे पास, ला उन नाहिया और ला उन नाफिया। ला उन नाहिया जो है इसको हम ला उन नाहिया को हम सिंपली बोलते हैं, ये क्या है क्या बोलते हैं, ला ऑफ प्रोहिबिशन, ला ऑफ प्रोहिबिशन, सॉरी ऑफ लॉ ऑफ प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन लॉ ऑफ प्रोहिबिशन, यानी इससे हम रोकते हैं, इससे हम क्या करते हैं, इससे हम रोकते हैं। लेकिन दूसरा जो है ये दूसरा लॉ जो है ये लॉ उन्नाफिया, इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ नगेशन, ये तो नगेट करने के लिए इस्तेमाल होता है, नगेशन, negating, negation, prohibit करना means आप किसी को ये कहते हैं कि भाई ये काम मत करो, आप उसको prohibit कर रहे हैं, रोक रहे हैं। negative means आप simply एक affirmative काम को negative में बता रहे हैं। For example मैं ये कहता हूँ मैं संतरे का जूस नहीं पीता हूँ, यानी इसमें कोई मैंने रोका तो नहीं किसी को, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, ठीक है, या मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप संतरे का जूस नहीं पीते हैं, अला तशरबु असीर अल पुर्तकाल, ठीक है, या मैं ये कहता हूँ मैं चाय नहीं पीता हूँ, ला अशरबु अशाया, मैं चाय नहीं पीता हूँ। यहाँ सिंपली मैं एक बात जो है एक नेगेटिव में बात कह रहा हूँ, मैं किसी को रोक नहीं रहा। दूसरा ये होता मैं किसी को कहता ला तशरब अशाया, चाय मत पियो। अब यहाँ आइए हम इन 2 सेंटेंस को लिखते हैं ताकि वाजह हो जाए। देखिए एक सेंटेंस है कि ला अशरबु, या अशरबु के बजाय मैं लिखूंगा तशरबु, ला तशरबु, ला तशरबु अशाया, अशाया, ला तशरबु अशाया, ये एक सेंटेंस है ला तशरबु अशाया। दूसरा सेंटेंस मैं लिखूंगा ला तशरब, ला ला सॉरी ला ला तशरब, ला ताश रब, ला तशरब अशाया, अशाया, ला तशरब अशाया, ये 2 सेंटेंस हैं भाई। इनको जरा गौर कीजिए, यहाँ भी मतलब लग रहा है अगर जो बिगिनर्स हैं आप जैसे उनको लगेगा कि ये तो सेम सेंटेंसेस हैं, इस पे कोई फर्क ही नहीं है, लेकिन ये फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। एक को यहाँ देखिए, इस ला को और ला को, इन दो के दरमियान कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, यहां ताशरबु, यहां है ताशरब, यहां बा जो है पेश वाला है, यहां बा जो है सुकून वाला है यानी जज्म वाला है, आप समझ रहे हैं ना। तो यहां जो है ला ताशरबु शाय, इसका मैं अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन लिखूं तो इसका ट्रांसलेशन सिंपली होगा क्या, यू डू नॉट टेक टी, आप चाय नहीं पीते हैं, यू डू नॉट टेक टी, आप चाय नहीं पीते हैं। लेकिन अगर मैं इस सेंटेंस की ट्रांसलेशन करूं जहां पे इस बा जो है मजूम हो गया, तो इसका मतलब होगा यू
इसका मतलब होगा डू नॉट टेक टी, मैं किसी एक इंसान को यानी यू, किसी को मैं हुक्म दे रहा हूं, डू नॉट यानी यू, यहां मैं ब्रैकेट में लिखूंगा यू ताकि आप समझेंगे यानी यू एक 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 आदमी, मैं इसको क्या यू ना डू नॉट टेक टी, चाय मत पियो, डू नॉट टेक टी, चाय मत पियो। ऊपर देखिए आप सेंटेंस ला तशरबु शाय, यू डू नॉट टेक टी, सिंपली आप एक नेगेटिव सेंटेंस बोल रहे हैं। नीचे आप देखिए यहां आप प्रोहिबिटिव सेंटेंस बोल रहे हैं, आप किसी को चाय पीने से रोक रहे हैं, तो इसलिए आप ला तशरब कहते हैं। तो ये लाम जो है जहां आपने सिंपली एक नेगेटिव बात कही, इसको हम कहेंगे ये ला उन्नाफिया है, नफी कहता है, नेगेटिव में कहता है कि एक सेंटेंस था तशरबु शाय, आप चाय पीते हैं, फिर मैंने कहा ला तशरबु शाय, आप चाय नहीं पीते हैं, तो इसने इसको नेगेटिव बना दिया। लेकिन दूसरा यह है कि मैं आपको रोक रहा हूं चाय पीने से, मैं आपको कहता हूं ला तशरब शाय, चाय मत पियो, ला तदखुल हाजिल गुरफा, इस कमरे में दाखिल मत हो जा, ला तज़हब इला सूक, बाजार मत जाओ, तो मैं आपको रोक रहा हूं ना, इसको बोलते हैं ला उन्नाफिया। अब फर्क देखिए, ये तो माने का फर्क हो गया, अब फर्क ये देखिए, दो फर्क है इनके दरमियान, एक तो माने का है, दूसरा फर्क ये है ला उन्नाफिया जो है ये फेली मुदारा पर कोई फंक्शन नहीं करता है, ये फेली मुदारा को मरफू रखता है, पेश वाला रखता है, इसको इसमें इसको जज़्म वाला नहीं बना देता है, जबकि ला उन्नाहिया जो है नहीं बनाने का जो ला है ये फेली मुजारा को मजूम बना देता है, जज़्म वाला बना देता है। यहाँ देखिए आप जहां कर्सर है, जहां इसने बा को क्या बना दिया, जज़्म वाला बना दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फर्क है, इसको आप याद रखेंगे, आप कहीं पढ़ेंगे मिसाल के तौर पर इस ला उन्नाफिया को अगर आप इन सेगों में इस्तेमाल करेंगे तो वहां आप कोई ये आपको मतलब कोई पेश वेश हटाना नहीं पड़ेगा। मिसाल मैं ऊपर आता हूं, अगर हम इस गर्दान में ला उन, यहां हमने ला उन्नाही को इस्तेमाल किया, अगर हम ला उन्नाफिया इस्तेमाल करेंगे तो हम सिंपली ऐसे पढ़ेंगे ला तफअलु, ला तफअलाने, ला तफअलूना, ला तफअलीना, ला तफअलाने, ला तफअलना, यानी नून गिरेगा नहीं और ना ये पेश गिरेगा, क्योंकि मैं यहाँ सिंपली ये कहता हूँ कि आप ये काम नहीं करते, नेगेटिव बस, ला तफअलो, आप नहीं करते ये काम, ला तफअलानी, आप दो लोग नहीं करते ये काम, ला तफअलूना, आप लोग ये काम नहीं कर, सब लोग प्लूरल में। लेकिन जब मैं ला उन्नाहिया लाता हूँ नहीं कला, तो मैं इस लाम को साकिन बना दे, मजूम जज्म वाला बना देता हूँ, तो मैं इन नूनों को भी गिरा देता हूँ, मैं कहता हूँ ला तफअल, ला तफअला, ला तफअलु, ला तफअली, ला तफअला, ला तफअल, ठीक है ना। तो ये है फेले अमर फेले नहीं बनाने का कायदा, और इन ला के दरमियान जो है फर्क है उसको भी यहाँ आपने मद्देनजर समझा। अब यहाँ एक पॉइंट है भाई जिसको मैं चाहता हूँ कि आप जरा इसको भी मद्देनजर रखें, क्योंकि अमर बनाते वक्त मैं इसको भूल गया, मैं इसको नहीं कह सका, वो ये कि हमारे पास कोई फेल तो आपको पता ही है, फेल जो है या तो सालिम होगा यानी जिसमें तीनों हर्फ जो है असली है और हर्फ इल्लत नहीं है, लेकिन कोई फेल ऐसा होता है जिसमें हर्फ इल्लत है, खासकर हम इस वक्त ले लेंगे जल्दी जल्दी में, दो चार मिनट है हमारे पास, वो फेल जिसके आखिर में हर्फ इल्लत है, जिसको हम कहते हैं कि भाई ये फेल जो है ये फेल नाकिस है, फेल नाकिस, नो नाकिस, फेल नाकिस मीनिंग जिसके आखिर में जो है या वाव हो या अलिफ हो या हो। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे दआ, दआ एक फेल है ना, दआ, इसके आखिर में अलिफ लग रहा है आपको, हाँ? इसी तरह इसकी इसका मुजाहरा आता है यदउ, इसका मुजाहरा क्या आता है यदउ। इसी तरह दूसरा फेल लेंगे मशा, क्या लेंगे मशा, इसका मुजाहरा आता है यमशी, क्या आता है यमशी, ठीक है यमशी। इसी तरह आप देखेंगे और भी फेल जहां आपको लगेगा कि भाई ये आखिर में या तो वाव है या है या अलिफ है, जैसे बकिया यबका है, बकिया बकिया, और इसका अमर आता है यब कौ, यब कौ, यहाँ आप देखिए एलिफ है या की शक्ल में लिखा गया है। अब अगर इनको अमर बनाना हो, अब अगर इनको अमर बनाना हो या नहीं बनाना हो, तो हम इनको क्या करते हैं, इनको जब अमर का प्रोसेस जो आपको है कि भाई पहले अलामती मुजारा हटा देंगे यानी वो हटा देंगे, फिर अगर उसमें जो है पहला कलमा जो पहला हरफ जो बचा वो अगर साकिन था तो हम हमजतुल वसल लगाएंगे, फिर हमजतुल वसल के नीचे जेर या उसके ऊपर पेश कैसे लगाएंगे, वो प्रोसेस सब करेंगे। लेकिन लास्ट में जो आप देखेंगे कि चूंकि
अगर आप इनको लास्ट में आप देख रहे हैं फेले अमर और फेले नहीं, दोनों आखिर में क्या होते हैं, मजजूम यानी जज्म वाले, मजजूम दोनों आखिर में होते हैं, मजजूम। मजजूम मीन्स जज्म वाले, मजजूम मीन्स जज्म वाले, शाबाश जज्म वाला। लेकिन हम क्या करेंगे, हम ये देखते हैं कि भाई यहां अगर हम इसको देखें, यदऊ यमशी यबको, तो इनका ये आखिर जो है वाव या और यहां अलिफ, ये तीनों तो जज्म वाले ही ऑलरेडी हैं, यानी साकिनी है ना, इसके ऊपर कोई जबर कोई जेर कोई पेश नजर ही नहीं आ रहा है, यानी ये जो असल में यदऊ नहीं है ना, यदऊ है, यमशी यमशी यू होना चाहिए था लेकिन नहीं है, यब का यू होना चाहिए था या यब का उ होना चाहिए था तो वो है नहीं, ऑलरेडी ये साकिन है बेचारे, ऑलरेडी साकिन है। तो अब हम इनको फेले अमर बनाते वक्त या फेले नहीं बनाते वक्त फिर साकिन करेंगे। ये तो ऐसा ही हो गया कि मेरे क्लास में कोई स्टूडेंट है जो खामोशी से सुन रहा है बेचारा, मैं उसको कह रहा हूँ चुप हो जाओ, तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये हो रहा है कि मेरे क्लास से दफा हो जाओ, यानी आप खामोश होने के बावजूद मेरे क्लास में नहीं बैठ सकते, तो मैं उसको कहता हूं तुम चले जाओ निकल जाओ यहां से, ठीक है। इसी तरह इनके साथ भी होता है, ये बेचारे ऑलरेडी साइलेंट है साकिन है, अब उनको फेले अमर और फेले नहीं बनाते वक्त फिर से साकिन बनाएंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि इनको ड्रॉप करेंगे, इनको क्या करेंगे ड्रॉप करेंगे, शाबाश। तो याद ऊ जो है अगर इसका अमर बनाएंगे तो इसका अमर बनता है उद ओ, क्या बनता है उदू, वाव गायब हो गया, वाव गायब हो गया, और नहीं बनाते वक्त बनेगा ला तदउ, ला ला तदउ, ला तदउ, देखो यहां भी अमर गायब हो गया। इसी तरह नीचे आइए, हम ये यमशी जो है इसमें देखिए, जब आप पहले अमर बनाएंगे तो इसका बनता है इमशे, क्या बनता है इमशे, 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 और नहीं बनाते वक्त भी बनेगा ला तमशे, ला तमशे, ला तमशे, ला तमशे, यह गायब हो गई। इसी तरह आप यहाँ आएंगे बकायब की, यहां जब आप अमर बनाएंगे तो ये बनेगा इबका, क्या बनेगा इबका, इबका, काफ के ऊपर जबर इबका, यानी ये जो था ये क्या नाम है आखिर में जो अलिफ था या की शक्ल में वो गायब हो गया, ठीक। अब इसे अमर बनाएंगे तो बनेगा ला तबका, ला ला तबका, ला तबका, ला तबका, यानी सिंपली मैं इसको कहता हूं जो बच्चा मेरी क्लास में खामोश से सुन रहा था, मैंने उसको कहा तुम चुप हो जाओ, सो बेचारा क्या करेगा, हाँ वो चुप के, वो तो चुप ही था ना ऑलरेडी, जब मैंने उसको और कह दिया कि नहीं चुप हो जाओ, तो इसका मतलब ये होगा आप यहाँ से जो है निकल जाओ। इसी तरह इनके साथ फेले नाकिस के साथ होता है, फेले नाकिस आखिर में जब 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 इसको मजजूम बनाना हो तो उसका आखिरी हरफ जो है वो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाएगा, यानी हरफ इल्लत जो आखिर में है वाव अलिफ या, ये ड्रॉप हो जाएगा। तो आप उद ओ है उदू, जैसे कुरान में उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइदति अल हसना उदू, या पहले इसमें अमर में भी है ला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर, ये कुरान में भी है। आप यहाँ देखेंगे अरबी जबान में कि पहले नाके जो है जब हम इसको अमर और नहीं बनाएंगे तो इसका आखिरी हरफ जो है यानी जो हरफ इल्लत है वो क्या हो जाएगा, वो ड्रॉप हो जाए, वो ओमिट हो जाएगा, उसको उसको जो है हज़्फ़ करना पड़ेगा। तो ये था एक बेसिक लेक्चर फेले नहीं बनाते बनाने जो है फेले नहीं बनाते मतलब बनाने का तरीका, और इसकी गर्दान के छह सेगे, और इसके आखिरी जो है आखिर जो आखिर पर ये साकिन होता है, और इसमें जो है ला हम लिखते हैं ला उन्ना, उसको हम ला उन्नाहिया बोलते हैं, और उस ला उन्नाहिया जो है उसके और दूसरी ला उन्नाफिया जिसको हम बोलते हैं उसके दरमियान क्या फर्क है, ये बेसिक चीजें आपने पढ़ी। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर कभी फैले नाकिस पर होगा, ये सॉरी फैले इस पर फैले नहीं पर होगा, तो उस पर हम मजीद जो है कुछ चीजें और सिखाएंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।